हेलो फ्रेंड, हमने ये मॉड्यूलर किचन बनाया है, कंप्लीट तैयार हो गया है। ये बिना हैंडल वाला किचन है फ्रेंड, इसमें कहीं पर भी हैंडल नहीं है, हैंडलेस किचन है ये। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक वीडियो देखें दोस्तों। हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, आप एक किचन की साइज़ देख सकते हैं। एल शेप में एक किचन है, इसकी साइज़ 9x5 है। 9x5 का एक किचन है, ये फुल मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है। इसमें हमने कहीं पर भी हैंडल नहीं दिया दोस्तों, सब हैंडलेस है। आप देख सकते हैं, यहाँ से अपन स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो ये टॉप से इसकी पूरी हाइट 32 इंच की हाइट है, 32 की इसकी हाइट है। इस पर हमने ये ग्रे कलर की लेमिनेट लगाई हुई है, ग्रे कलर की सनमाइका लगाई हुई है। ये वॉश बेसन के यहाँ के दो पल्ले हैं, हमारे दो डोर हैं यहाँ के, देख सकते हो। ऑटो इंजिस कब्जे ऊपर लगाए हुए डोर हैं, ये सॉफ्ट क्लोज में। जस्ट इसके पास में अपन स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक 4 इंच की बास्केट दी हुई है दोस्तों। ये टेपर में हमने 45 डिग्री टेपर में हमने ऊपर से काटा हुआ है, और ये हैंडलेस किचन है, इसमें हैंडल नहीं लगाया हुआ। ये टेपर में आप इसको यहाँ से खोल सकते हो दोस्तों। इसकी फिनिशिंग देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग हो रही है। इसमें हाथ कटने के कोई चांस नहीं है, ये सॉफ्ट क्लोथ चैनल पर लगी हुई है। इसके जस्ट नीचे देखते हैं अपन, तो ये आटे वाली बास्केट है, इसमें आप बड़े बॉक्स वगैरह रख सकते हो अपने। ये बड़े बॉक्स की रखी हुई है। ये 2 सूत के अंदर से हमने पट्टी लगाई हुई है, इसके बाद फिर ये हमने टेपर में काटा हुआ है, और ये 1.25 इंच का गैप दिया हुआ है ताकि आपकी उंगली आराम से जा सके और कहीं पर लगे नहीं। बीच में 1.25 इंच का गैप है खोलने के लिए। फिर यहाँ पर एक पास में 4 इंच की बास्केट है प्लेन वाली, जिसमें आप अपना जैसे भी सजावट तरीके से आप करना चाहो, जिस तरीके से अपना किचन का सामान मेंटेन करना चाहो उस तरीके से आप रख सकते हो। डब्बे भी रख सकते हो और जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। फिर इसके नीचे एक 6 इंच की प्लेन बास्केट है, ये सब हमारी एसएस की बास्केट है, और ये सॉफ्ट क्लोज चैनल पे चली हुई है। ब्लेंडो कंपनी की अच्छी चैनल आती है सॉफ्ट क्लोज, उस पर लगी हुई है। आप इसके धक्का दोगे, 1 इंच से ही ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेगी ये चैनल बास्केटों को, ये देख सकते हो। 1 इंच के बाद ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींचेगी दोस्तों। जो इसका ये दिया हुआ है, ये वुडन कलर में हमने पट्टी दी हुई है, और पूरी ग्रे कलर की सनमाइका लगाई हुई है। इसके पास में ये 4 इंच की हमने कटलेरी दी हुई है, ये 4 इंच की कटलेरी है। फिर 6 इंच की बास्केट है, फिर 8 इंच की बास्केट है, 4, 6, 8 की हमने इस तरह से 3 बास्केटें लगाई हुई है। आजकल बिना हैंडल वाले किचन चल रहे हैं, तो इस तरह से हमारी पार्टी की चॉइस थी, तो हमने बिना हैंडल वाले ही किचन बनाया। ये कॉर्नर का देख सकते हो आप, इसमें हमने सिलेंडर के लिए जाली काटी हुई है, इसमें सिलेंडर रहेगा हमारा तो गैस पास होने के लिए। इसके पास में जस्ट ये एक पल्ला दिया हुआ है, इसमें फोल्डिंग सेल्फ भी लगेगा ताकि 2 खाने हो जाएंगे। इधर की तरफ हमने पुल आउट दिया हुआ है साइड में, उधर जगह नहीं थी, पुल आउट का इधर की तरफ निकल रहा था हमारे ड्राइंग के हिसाब से, तो हमने पुल आउट का इधर रखा हुआ है। इसमें आप अपने कोई से भी डिब्बे बोतल रख सकते हो, ये भी सॉफ्ट क्लोज में है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा और कितना प्यारा लुक आ रहा है, ग्रे कलर और वुडन कलर की सनमाइका में अपन नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 9x5 का किचन है ये, और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ किचन है, आप देख सकते हो। हम इसी तरह का काम करते हैं दोस्तों, ऊपर से अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो पल्लू का ग्रुप वगैरह देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो, काम कितना सुंदर कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से अपन स्टार्टिंग करते हैं, तो ये हमने यहाँ पर डोर बनाया हुआ है, ये आरओ का कनेक्शन किया हुआ है इसके अंदर, ये आरओ के हिसाब से बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ पर एक टूटी का हमने छोड़ा हुआ है नल का, ताकि आप ले पानी वगैरह गिलास वगैरह भर सको, और ये आरओ लगाया हुआ है इसके अंदर। ये एस बेंडिंग लगाई हुई है पल्लों के टकरों पर, ताकि आपके हाथ में लगे नहीं, और फिनिशिंग भी हमारी अच्छी दिखे। और ये ऊपर हमने वही सॉफ्ट क्लोजिंग जिस लगाए हुए हैं 0 डिग्री के, ब्लेंडो कंपनी की अच्छी कंपनी आती है ब्लेंडो, ये देख सकते हो। इनके अंदर पार्टीशन होएगा, एक और सेल्फ रखा हुआ आएगा, अभी तक रखा नहीं हमने, तो ये 2 भाग हो जाएंगे इसके। ये इसकी डीप हमने डीप तो हमने 11 इंच रखी हुई है, और हाइट में 23 इंच अंदर से अंदर, देख सकते हो। ये एक ओपन बॉक्स बनाया हुआ है ग्रे का, जो काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक गिलास देख सकते हो आप, जो कप रखा हुआ है इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी और सुंदर लग रहा है। एक लाइट दी है इसमें, ये ओपन है। इन्हों का चिमनी का नहीं था, हमारे पार्टी को चिमनी नहीं लगानी थी, इस हिसाब से हमने यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है, चिमनी कैंसिल थी यहाँ पर।
ये देख सकते हो यहाँ पर भी अभी तक एक सेल्फ लगेगा इसके भी दो भागों में। ये एस बेंडिंग लगाई हुई है, एस बेंडिंग की फिनिशिंग देख सकते हो कितनी सुंदर और कितना अच्छी लग रही है ये। ये सब ऑटोमेटिक डोर क्लोज होगा हमारा। साइड में ये कॉर्नर बहुत छोटा निकल रहा था तो यहाँ पर हमने ये कॉर्नर की डिज़ाइन बनाई हुई है ताकि अपना काम अच्छा लगे। ये देख सकते हो आप, ये ऊपर की तरफ हमने जो झिर्री काटी हुई है ये 1.5 इंच की झिर्री काटी हुई है, इसमें प्रोफाइल लाइट लगाई जाएगी। इसमें प्रोफाइल लाइट अभी लगी नहीं, प्रोफाइल लाइट आई नहीं। प्रोफाइल लाइट लगने पर सारा फोकस उसका नीचे आएगा इन पल्लों पर तो और भी अच्छा लुक आएगा। ये ऊपर खुलने वाले लिफ्ट वाले पल्ले बनाए हुए हमने देख सकते हो, इसमें कांच लगे हुए हैं, 10-10 kg के पंप भी लगाए हुए हैं हमने और अंदर की तरफ कांच लगाए हुए हैं। प्लास्टिक के कोने आते हैं उन पे कांच रुके हुए हैं देख सकते हो आप। ये चारों पल्ले ऊपर के हमने इस पे दिए हुए, इस पे हमारे किचन के अंदर देखना आप, हमने कहीं पर भी हैंडल नहीं दिए हुए हैं। पल्लों पर भी हमारे हैंडल नहीं है और नीचे भी हैंडल नहीं है, पूरा हैंडलेस किचन है। कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर भी हमने कांच में 3 स्पॉट लाइट दी हुई है ताकि रोशनी से और अच्छा लगे हमारा कांच। और अंदर की तरफ 5 mm का गिलास लगाया हुआ है हमने, ये अंदर की तरफ 5 mm का गिलास है और 10-10 kg वाले सोकर लगाए हुए हैं ताकि अपने पंप आराम से ऊपर जा सके, आराम से बंद हो सके। ऊपर भी आप अपना कोई सा भी सामान रख सकते हो। ऊपर की तरफ अगर आप पल्ले बनाते हो किचन में तो ऊपर लिफ्ट वाले पल्ले अच्छे लगते हैं, इनका काफ़ी इनका मार्जिन देख सकते हो। पल्लों की साइज़ के बराबर हमने नीचे के पल्ले बनाए हुए हैं, सेम टू सेम मैचिंग मिला हुआ है इनका, जो दोनों पल्ले नीचे के बने हुए उसी साइज़ का एक पल्ला बनाया हुआ है। ये जो कॉर्नर में डिजाइन है ये 12-12 इंच की हमने डिजाइन बनाई हुई है। ये ऊपर के जो लिफ्ट वाले पल्ले हैं ये 33 इंच के पल्ले बने हुए हैं, स्पॉट लाइट लगाई हुई है देख सकते हो। फ्रेंड हम इसी तरह का काम करते हैं, अगर आपको फर्नीचर रिलेटिव कोई वर्क करवाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से हमारे नंबर ले सकते हो और हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।